अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल अकादमी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज प्यारी मिनाटी बना हुआ हूँ लेकिन नहीं बन सकते यार, वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और उन तक पहुँचने के लिए सालों सालों क्या शायद कभी ना बन सकें। दोस्तों आज मैं आपको इंटरनेट की 6 अमेजिंग और ज़बरदस्त सेटिंग, सीक्रेट सेटिंग बताऊँगा जिनको देख जानकर आप बहुत परेशान और हैरान हो जाएंगे कि मेरे मोबाइल की स्पीड पहले क्या थी और अब क्या हो गई है और किस तरह मेरे मोबाइल की स्पीड बढ़ी। दोस्तों इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा बिना कोई टाइम वेस्ट किए, यानी कि बिना किसी करते हैं बिना किसी चलो खैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों नंबर वन पे हमने जिस सेटिंग को जगह दी है और सेटिंग असल में काम कुछ यूँ करती है, और छोटा सा एक VPN है जो 1-2 MB का होगा, शायद 1-2 MB से भी कम हो। दोस्तों आपने डाउनलोड कर लेना है और किस तरह वर्क करता है चल के बताता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों इसके लिए हमें प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हम प्ले स्टोर के अंदर जाके लिख देंगे सिंपली 1111 4-1 लिखने के बाद सर्च लगाएंगे। जैसे सर्च मारेंगे तो पहली एप्लीकेशन हमारे सामने आ गई, यहाँ 4-1-1 लिखा हुआ और फास्टर एंड सेफर इंटरनेट, यहाँ पे से हम डाउनलोड कर लेंगे। 10 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं और इसकी रेटिंग भी आप देख सकते हैं, और इसे हम यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। मैंने पहले से इसे डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद हम कर लेंगे इसे ओपन। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, उसके बाद गेट स्टार्ट पे करेंगे क्लिक, उसके बाद डन, डन के बाद एक्सेप्ट थोड़ा कर लेंगे वेट, उसके बाद हम 3 डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पे जाने के बाद सबसे पहले हमारा नेट यहाँ पड़ा होगा, इस जगह पे डॉट होगा, तो हमने डॉट को यहाँ लाना है, फिर उसके बाद वापसी बैक करना है और यहाँ से कर लेना है इसे ओपन। और इंस्टॉल भी पे क्लिक करना है, खाली हमें इंस्टॉल पर क्लिक करना है, खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ हमें ऑलवेज अलाउ कर देना है और देखें हमारा इंटरनेट अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। दोस्तों नंबर 2 पे हमने जिस सेटिंग को जगह दी है वो एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट में आपको पता होता है कि आपके मोबाइल का नाम और नेटवर्क का नाम, नीचे मोबाइल वगैरह का नाम, और उसके बाद फिल कर देना होता है और आपका मोबाइल इंटरनेट चलने लग जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ सेटिंग होती है, और सेटिंग क्या होती है चल के बताता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। इसके लिए हमें जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद मोबाइल डेटा, मोबाइल डेटा के बाद सिम 1 जिसमें डेटा कर रहा है आपका एक्सेस पॉइंट नेम, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नाम पे, नेम पे क्लिक, यहाँ किसी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने, सिर्फ यहाँ का जो APN प्रोटोकॉल है यहाँ पे 6 खाइए, पहले यहाँ पे होगा 4 पे होगा ना, हमने इसको 2 पे कर देना है, जैसे 3 पे सॉरी 4 और 6 दोनों पे कर देना है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, ये सिर्फ हमारा इस पर टिक किया आप देख रहे हो, तो हमें 4 पे टिक कर देना है। ओके तो यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, ये हो गया हमारा डन, इसे हम कर लेंगे यहाँ से सेव। उसके अलावा अगर हमारा टेलनार पे इंटरनेट सही नहीं चल रहा, हमारी सिम भी टेलनार लगी हुई है, हम क्या करेंगे जोंग या किसी और की APN बना लेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे। मेरे पास जेज और टेलनार की सिम है, उसके बावजूद मैंने जोंग का एक अलग से एक्सेस पॉइंट बनाया हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ, कभी टेलनार का मसला करती है, स्लो चलती है तो इस पर तेज़ हो जाती है। दोस्तों नंबर 3 पे हमने जिस सेटिंग को जगह दी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं, आपका स्लो चल रहा है, तो हो सकता है जिस जगह आप इंटरनेट चला रहे हैं आप बैठ के और जगह ही स्लो हो, उस जगह पर इंटरनेट कम उसकी रेंज आ रही हो इंटरनेट की, ये किस तरह चेक कर सकते हैं कि मेरे इस कोने में इंटरनेट तेज और इस कोने में स्लो चलता है? इसके लिए मैं चलता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। इसके लिए हम जाएंगे मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन, अबाउट फोन में जाने के बाद नीचे हमें नज़र आ रहा है SIM 1 एंड SIM 2, जिस सिम की हम देखना चाहते हैं स्ट्रेंज, यहाँ जाने के बाद हमें नीचे नज़र आ रहा होगा यहाँ पर आपको सिग्नल स्ट्रेंज, अब देख सकते हैं यहाँ पे 53-87। अब जिस तरह मोबाइल को मूव कर रहा हूँ मैं और इस तरह ही सिग्नल आगे पीछे होंगे, देख लेना आप, ये देख रहे हैं किस तरह सिग्नल आगे पीछे और मूव हो रहे हैं। यहाँ जाके आपने चेक कर लेना है कि सिग्नल सही आ रहे हैं या नहीं। तो नंबर 4 पे हमने जिस सेटिंग को जगह दी वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। दोस्तों अगर आपका इंटरनेट की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है 4G होने के बावजूद, सिम भी 4G है फिर भी बहुत कम चल रही है, कभी कभी स्लो हो जाती है और कभी कभी तेज होती है, कभी कभी स्लो हो जाती है, इसके लिए भी हमारे पास हल है, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। दोस्तों इसके लिए हमें जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हम चले जाएंगे मोबाइल डेटा में। ओके इसके जाने के बाद हमें यह नज़र आ रहा है परफेक्ट नेटवर्क टाइप,
यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है 3G, 4G, 2G और 3G, 2G और ओनली 2G। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा 4G के बावजूद भी हमारा नेट स्लो चल रहा है, कभी कभी होता है कि ज़्यादा सिग्नल स्ट्रेंज नहीं दे सकता और ज़्यादा सिग्नल ज़्यादा होते हैं तो स्लो चलने लग जाता है, हम सिंपली क्या करेंगे 3G 2G कर देंगे। इससे हमारा नेट की काफ़ी स्पीड में फ़र्क पड़ जाएगा। दोस्तों नंबर 5 पे हमने जिस सेटिंग को जगह दी है वह रीसेट और रिबूट। आप समझ ही गए होंगे रीसेट और रिबूट इस तरह होता है कि अपने मोबाइल के पावर बटन को जोर दे के रखो, दबा के रखो तो आपको रीसेट या रिबूट का ऑप्शन मिल जाता है। ये किस तरह रीसेट होता है, रीसेट करने से ये फायदा होता है आपको मोबाइल रिफ्रेश हो जाते हैं और इंटरनेट पहले से तेज चलने लगता है। इंटरनेट नहीं बल्कि सारी एप्लीकेशन वगैरह तेज चलने लगती हैं, मोबाइल की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो चल के बताता हूँ स्क्रीन की तरफ के रिबूट और रीसेट किस तरह होता है। इसके लिए दोस्तों हमने मोबाइल के पावर बटन को प्रेस करके रखना होगा। प्रेस करके रखने के बाद हमें नीचे ऑप्शन नज़र आ गया, ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए रीबूट, स्वीप अप टू रीबूट, इस तरह ऑप्शन आएगा, या आपके पास रीसेट का ऑप्शन आएगा उसे क्लिक कर दें, मोबाइल खुद ऑन हो ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों नंबर 5 पे हमने जिस सीक्रेट सेटिंग को जगह दी है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अगर आपकी सिम भी 4G है, मोबाइल भी 4G है, उसके बावजूद भी 3G और 2G नेटवर्क आता है, तो इसका हल भी हमने निकाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, इसका हल बहुत बहुत ही आसान और बहुत ईजी है। ये तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन की तरफ लेके जाऊँगा और बताऊँगा, उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दें। और दोस्तों अगर इस तरह की वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर ये सेटिंग आपके काम आ जाए और आपकी इंटरनेट स्पीड बढ़ जाए तो प्लीज़ कमेंट में आके डन लिख दीजिएगा, इससे मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके लिए हमें जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद मोबाइल डेटा, उसके बाद जो नेटवर्क हम चला रहे हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने सब नेटवर्क आ गए हैं। ये हमारे एरिया में ये नेटवर्क सारे अवेलेबल हैं हमारे पास, 3G, 4G, 2G में जो भी हैं। हम सिंपली यहाँ पर अगर हमारा 2G चल रहा है तो हम यहाँ पर 4G कर सकते हैं इसको, और हम जो नेटवर्क हमारा सीधा चल रहा है उस पर जाके हम क्लिक करेंगे और 4G या 3G हो जाएगा।